एंड वेलकम टू जस्ट कुक विद मी। आज मैं नान बनाने जा रही हूँ। मैं इसको ईस्ट के साथ बना रही हूँ। ईस्ट वाले नान बहुत ही अच्छे बनते हैं। मैं आज प्लेन नान, बटर नान और गार्लिक नान बनाऊंगी, क्योंकि इनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ये डो एक ही जैसा बनता है और फिर उसमें हम लोग डिफरेंट चीजें बना के मिला के डिफरेंट नान बना देते हैं, जैसे कि गार्लिक मिला के गार्लिक नान बन जाता है, बटर के साथ लेयर्स बना के वो बटर नान बन जाता है, और प्लेन नान प्लेन ही बना लेते हैं। तो इसलिए मैं एक ही रेसिपी में तीनों नान बना रही हूँ। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कीजिए जस्ट कुक विद मी को और दबाइए बेल आइकन को फॉर लेटेस्ट फूड अपडेट्स। इसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है वो इस प्रकार से है। ईस्ट 1 छोटा चम्मच, गुनगुना पानी 1/4 कप, मैदा 4 कप, नमक 1/2 छोटा चम्मच, चीनी 1 बड़ा चम्मच, तेल 1 बड़ा चम्मच, बटर 4 बड़े चम्मच, दूध 2 कप, कलौंजी 1 छोटा चम्मच और लहसुन की कलियां 8 से 10 कटी हुई। चलिए बनाना शुरू करते हैं नान। तो इसके लिए हमने जो गुनगुना पानी लिया हुआ है उसमें हम चीनी मिलाएंगे, तो 1 टेबलस्पून हम लोगों ने ली हुई है, और ईस्ट भी मिलाएंगे, और इसको कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये फूल जाए। तो हम एक बाउल में 4 कप मैदा लेंगे, नमक भी मिलाएंगे और जो तेल हम लोगों ने लिया हुआ था। ईस्ट हमारी फूल चुकी है, अब हम इसको मिला देंगे। इसको अच्छे से भूनना है। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल मिलाएंगे, डालेंगे। अब हम इसको ऐसे एक डैम्प क्लॉथ से कवर कर लेंगे और इसको एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटे के लिए हम लोग इसको रेस्टिंग के लिए रख देंगे ताकि ये फूल जाए। ये देखिए डो हमारा राइज हो गया है। हम थोड़ा सा इसमें जो भी ये हवा है इसको निकाल देंगे। अपने हिसाब से इससे लोइयां निकालेंगे, जितनी भी हम लोगों को चाहिए। बड़े नान चाहिए तो बड़े लोइयां बनाएंगे, छोटे चाहिए तो छोटी लोइयां निकालेंगे, और उसके हिसाब से हम लोग बेल के फिर उसको तवे पर ही बनाएंगे गैस के ऊपर। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहले हम प्लेन नान बनाएंगे। आप चाहें तो इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं ऊपर से, लेकिन मैं नहीं डाल रही। अब हम इसकी जो ये बैक साइड है इसमें हम हल्का सा पानी लगाएंगे। ये तवा हमारा गर्म हो गया है, तो हम नान पे इस तरीके से पीछे से पानी लगाएंगे। अब ये ऊपर से पके से लग रहे हैं, ड्राई हो गए हैं। अब जो है हम इसको इस तरीके से हाई फ्लेम पे, थोड़ा हाई फ्लेम पे पीछे से पका लेंगे। देखिए
नान हमारा बन गया है। अब हम थोड़ा सा बटर जो है पे ब्रश करेंगे, हल्का सा लगाना है, ज्यादा नहीं। ये देखिए नान हमारा अच्छा सा बन गया है। अब हम गार्लिक नान बनाएंगे। बारीक कटी हुई लहसुन हम इसमें डालेंगे और फिर इसके ऊपर से बेलन चलाएंगे। ये हम बटर नान बनाएंगे। बटर नान में लेयर्स होती हैं, ये लेयर्ड होता है। देखिए हमारा नान है, गार्लिक नान है, बटर नान है, ये तीनों ही बहुत ही अच्छे तरीके से बने हैं, आगे पीछे से काफ़ी अच्छे से पके हैं। आप इसको किसी भी सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं, दम आलू के साथ कर सकते हैं, दाल मखनी के साथ कर सकते हैं, किसी भी पनीर की प्रिपरेशन के साथ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पनीर के साथ सर्व किया हुआ है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने कमेंट्स बताइए कि आपको कैसा लगे। अगर आपको जस्ट कुक विद मी की ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।